हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। ये कुर्ती मैं नीचे से ओपन कट रखूंगी और इसके साथ ही मैं आपको कुर्ती दिखा देती हूँ। ये हमारी कुर्ती है, इसके नेक पे हल्का वर्क है कढ़ाई का और उसके साथ ही नीचे बॉर्डर है। इसे मैं लॉन्ग कुर्ती बनाऊंगी क्योंकि इसके साथ मैं प्लाजो पजामा कैरी करने वाली हूँ। और अगर आप प्लाजो की कटिंग देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये हमारी बॉटम का पीस है, इसमें से मैं प्लाजो कट करूँगी, ठीक है। इसके साथ ही ये हमारा दुपट्टा है, इस तरह से है ये। तो मैं इसे लॉन्ग कुर्ती बनाकर नीचे से ओपन कट रखकर प्रिंसेस कट के साथ एक ट्रेंडी लुक देने वाली हूँ अपनी सिंपल सी कुर्ती को। तो इसके साथ ही देखिए, ये मैंने एक लेस ली है जो कि हमारी बॉटम से और हमारी नेक पे जो एम्ब्रॉयडरी है उससे मैचिंग की है। इसे मैं प्रिंसेस कट की कलियों पे लगाऊंगी और इसके साथ ही हम अपनी बॉडी का नाप देख लेते हैं। इसकी हमारी कुर्ती की लेंथ 42 इंच है, अपर बस्ट मेरी 37 इंच है, चेस्ट 36 इंच है और कमर 33 इंच है और हिप हमारी 40 इंच है। इसमें हम 2+ की लूजिंग देंगे। ये हमारी बॉडी का एकदम फिट नाप है। कटिंग के टाइम हमें 2+ की लूजिंग ज़रूर देनी होती है, इससे हमारी कुर्ती टाइट नहीं रहती। तो ये हमारी अपर बस्ट 39 इंच हो जाएगी, चेस्ट 38 इंच हो जाएगी और कमर 35 इंच हो जाएगी और हिप 42 इंच हो जाएगी। ये आपको हर कुर्ती में देना होता है। और उसके बाद हम प्रिंसेस कट का नाप बता देती हूँ मैं। प्रिंसेस कट में आपको जो कट लगाएंगे हम, उसके बाद जब हम उसे सिलाई करेंगे तो उसमें 1 इंच चला जाता है, तो इसमें हम 1+1 इंच और ऐड करेंगे तो हमारी अपर बस्ट 40 इंच हो जाएगी, ठीक है। कमर में, हिप में, हर चीज़ में हमें 1 इंच और प्लस करना है। उसके बाद हम तीरा देख लेते हैं। तीरा हमारा मेज़र करने के बाद 14 इंच है और इसका हाफ हो जाएगा 7 इंच। और ये डीप नेक बनाऊंगी मैं इस तरह से, तो इसमें से 1/2 इंच मैं कट कर दूंगी, तो ये हमारा 6.5 इंच रह जाएगा तीरा, जो कि हमें लेना है 6.5 इंच, ठीक है। अगर कॉलर वाला बनाओगे तो ये 7.5 से 8 इंच के बीच हो जाएगा। उसके बाद हम आर्म होल देख लेते हैं। आर्म होल मैं 7 इंच लेती हूँ और इसमें 1 इंच प्लस कर देंगे क्योंकि प्रिंसेस कट की सिलाई में हमारा 1 इंच जाएगा, तो हम 8 इंच इसका आर्म होल लेंगे। उसके बाद मैंने ये कुर्ती को डबल फोल्ड कर लिया है फ्रंट हिस्से को और सेंटर में से नेक मिलाते हुए एम्ब्रॉयडरी अच्छे से डबल फोल्ड कर लिया है। अब मैं इस पे नेक पे जहाँ हम सिलाई लगाएंगे वहाँ निशान लगा देती हूँ ताकि हमें अपना तीरा लगाने में आसानी हो। अब हम अपने नेक की लेंथ लेंगे जो कि मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से, ये सिलाई का निशान है। उसके बाद 1/2 इंच का हमें मार्जिन छोड़ना है ऊपर कपड़ा, ये मैं मार्जिन का निशान लगा रही हूँ। उसके बाद हमें यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है मार्जिन वाले निशान से। ये देखिए, जो हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ के जो निशान लगाया है वहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस पे हम अपने तीरे का निशान लगाएंगे और यहीं से हम अपनी कुर्ती की लेंथ लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से अपनी कुर्ती की लेंथ ले लेते हैं जो कि मेरी 42 इंच है, तो इसमें 2 इंच में प्लस करके 44 इंच पे निशान लगा लूँगी। उसके बाद हम तीरा लेते हैं। तीरा मैं 6.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, यहाँ से भी मैं 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी नीचे से भी। और उसके बाद हमें यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से, उसके बाद यहाँ से हम अपना आर्म होल का निशान लगाएंगे जो कि मैं 8 इंच पे लगाऊंगी। 7 इंच पे होता है लेकिन ये प्रिंसेस कट है तो मैं 1 इंच प्लस करके 8 इंच पे लगाऊंगी आर्म होल का निशान और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। उसके बाद देखिए, मैंने ये मेज़र करके और निशान मैंने लगा लिए हैं और इसका मेजर मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। आर्म होल का निशान लगाना है सबसे पहले 8 इंच पे, उसके बाद हमें चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट का निशान हमारे आर्म होल में ही आ जाएगा। उसके बाद हमें अपर बस्ट का निशान लगाना है और उसके बाद हमें कमर का निशान लगाना है जो कि मैंने 22 इंच पे लगाया है। और उसके बाद हमें हिप का निशान लगाना है। ये निशान मैंने 1-1 इंच ज़्यादा लिए हैं क्योंकि जब हम ऊपर से प्रिंसेस कट का जोड़ लगाएंगे तो ये जो मेजर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेके चलना है। उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे यहाँ और उसके बाद मैंने अपर बस्ट का निशान लगाया है, जो भी हमारा मेजर आया है वो लगा लेना है आपको। उसके बाद कमर का निशान लगा लेना है
और उसके बाद हिप का निशान लगा लेना है। उसके बाद शेप पट्टी की हेल्प से आपको ये सारे निशान मिला देने हैं इस तरह से, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये मैंने फिटिंग का निशान लगाया है सिलाई का। इसके बाद आपको इसमें 2+ का मार्जिन छोड़ना है, जो कि हमारी कुर्ती की कटिंग के टाइम हमें यहाँ से कट करेंगे। तो ये 2 इंच का मैं मार्जिन छोड़ते हुए एक निशान और लगा रही हूँ इसी शेप में, और इस निशान को अब हमें नीचे तक लेके जाना अपने कुर्ती के घेरे तक। ठीक है, अब हम यहाँ से 2 इंच का निशान लगाएंगे, जो हमारा आर्म होल वाला निशान है वहाँ से नीचे से 2 इंच पे निशान लगाना है एक। उसके बाद हम अपने मुंडे का जो शेप है वो देंगे। ये हम अपनी कुर्ती का जो बैक वाला पार्ट है उसके अकॉर्डिंग देंगे। अभी कुर्ती के फ्रंट के मुंडे की अभी कटिंग हमें नहीं करनी है, पहले बैक वाले के हिसाब से ही हम रखेंगे अभी। बाद में जब प्रिंसेस कट का हम जोड़ लगा लेंगे उसके बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे दोबारा। ठीक है, तो ये बैक के अकॉर्डिंग मैंने निशान लगा लिया है इस तरह से, और यहाँ से हम 1/2 इंच कंधा गिरा देंगे। इस तरह से निशान लगाएंगे, 1/2 इंच का हमें कंधा गिरा देना है। अब देखिए यहाँ से हम अपने कमर, अपना जो कमर है हमारी उसका हाफ लेना है हमें, तो मैं ये 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी सेंटर में इस तरह से, और नीचे तक हमें 4.5 इंच पे ही निशान लगाते जाना है पूरी कुर्ती में। इस तरह से पूरी कुर्ती में 4.5 इंच का मार्जिन पे हमें निशान लगा देना है बंद साइड की तरफ से, और फिर इसे सीधा ड्रॉ कर देना है सीधी लाइन इस तरह से, नीचे तक मिला देना है। उसके बाद देखिए जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था आर्म होल पर, यहाँ इस निशान से हमें इस तरह से थोड़ी हल्की गोलाई में शेप दे देनी है इस तरह से। हमें बिल्कुल सीधा नहीं करना है, हल्की राउंड शेप देके इस तरह से एक शेप दे देनी है जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था वहाँ से स्टार्ट करके, और ये जो 4.5 वाला सेंटर वाला निशान है इससे मिला देना है इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से 1/2 इंच कंधा गिराएंगे हम, और यहाँ से आर्म होल पे से कट करेंगे। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है, और बैक वाला पार्ट हम बाद में कट करेंगे इसका, बाकी की कुर्ती की स्लीव्स वगैरह हम बाद में कट करेंगे। अब हम यहाँ से प्रिंसेस कट भी कट कर देते हैं, जो हमने निशान लगाया था वो भी कट कर देते हैं। पहले हम इसकी प्रिंसेस कट का जो जोड़ है इसे हम तैयार करेंगे, और इसके बैक पार्ट हम बाद में कट करेंगे कुर्ती का। ठीक है, इस तरह से ये हमारी कुर्ती कट हो गई है। ये इस तरह से स्टिच होगी इसके ऊपर, तो ये निशान देखिए कमर का, हिप का, ये 1 इंच ऊपर आ जाएंगे, तो ये एकदम सही नाप हो जाएगा इनका। अब देखिए हम स्टिचिंग करते हैं, तो ये इस तरह से सेट करना है हमें। हमें कुर्ती का जो सेंटर वाला हिस्सा है उसको सीधी की साइड रखना है जैसे कि सीधा है, और जो साइड वाला पल्ला है उसको इस तरह से उल्टा कर देना है उसके बाद, तो दोनों पल्लों की सीधी साइड आमने सामने हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ से मिलाते हुए इस तरह से, और यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देनी है। यहाँ से हम सिलाई करते हुए इसे अटैच कर लेंगे।
ये हमें पूरा अटैच नहीं करना है, जैसा कि मैंने बताया हम इसे नीचे से ओपन कट रखेंगे, तो हम नीचे से करीब 10 इंच के करीब, 10 इंच के करीब हम नीचे से ओपन रखेंगे इसे। यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आपको घुमाते हुए कपड़े को लेके आना है नीचे तक। ये हल्की सी जो ऊपर गोलाई है इसी में थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, बाकी नीचे तो आपको स्ट्रेट सिलाई लगानी है, ये बिल्कुल आसान है। अब देखिए नीचे से मैंने इसे हल्का ओपन रखा है। अब सेम इसी तरह से मैं दूसरा पल्ला अटैच करूँगी। एक पल्ला हमारा अटैच हो चुका है इस तरह से, आप देख सकते हैं। सेम इसी तरह से मैं दूसरा पल्ला अब अटैच करके दिखाऊंगी आपको। अब हम नीचे से अपनी कुर्ती को नाप लेते हैं, क्योंकि हमें नीचे से ओपन रखनी है। तो देखिए 8 इंच मैंने रखी है और नीचे 2 इंच का हमारा बॉर्डर भी आने वाला है, तो 10 इंच हम नीचे से ओपन रखेंगे अपनी कुर्ती को। ठीक है, 10 इंच की मैं ओपन कट रखने वाली हूँ अपनी कुर्ती को दोनों पल्लों से। अब हम इस सिलाई को यहाँ से वापस लाकर इसे पक्का कर देंगे यहाँ। और देखिए इस तरह से ये नीचे से ओपन है, और नीचे जब हम बॉर्डर अटैच करेंगे तो तीनों पल्लों पर अलग अलग बॉर्डर अटैच करना है हमें, बीच में से कट करते हुए बॉर्डर को भी हमें ओपन रखना है। और उसके साथ ही देखिए यहाँ से ये मैंने सिलाई लगा दी है और इस तरह से ये फोल्ड कर दिया है मैंने। आप देखिए इस तरह से प्रेस से अच्छे से फोल्ड कर दिया है साइड में, इस तरह से आपको फोल्ड कर देना है। और यहाँ से हम लेस लगाएंगे अभी। इस तरह से ये ओपन कट कुर्ती बनी है हमारी। अब हम ये मैचिंग की लेस लेते हैं, और जो हमने सिलाई लगाई है हमारी सिलाई वाला जो निशान है इसके ऊपर से हमें ये लगानी है बिल्कुल इस तरह से। अगर आपकी लेस इससे हल्की चौड़ी है, मतलब अगर कपड़े के बीच में रखने वाली है, तो आप कोई जैसे हम पाइपिंग लगाते हैं उस तरह से उस लेस को अटैच करना है, लेकिन ये काफ़ी पतली है और ये इसी तरह से ऊपर से लगेगी, तो मैं इसे इस तरह से लगा रही हूँ। आप चाहे तो अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप इसमें पाइपिंग भी लगा सकती हैं। अब देखिए मैं इसे सेंटर वाले हिस्से में ले आती हूँ लेस को नीचे तक, और इस तरह से मैंने लेस लगा दी है दोनों साइड, और ये हमारी कुर्ती का फ्रंट हिस्सा बन के तैयार है। और इसको अब हम पीछे वाले बैक पार्ट पर रखकर बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे, और कुर्ती के फ्रंट हिस्से के आर्म होल की भी कटिंग करेंगे। ये देखिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, बाकी जो हमारा कपड़ा बचा था उसको, और उस पर मैंने फ्रंट वाले हिस्से को इस तरह से बिछा दिया है, और इसी शेप में हम बैक वाला हिस्सा भी कट कर देंगे। देखिए अच्छे से बिछा दिया मैंने, और नीचे से मैंने बैक वाले पार्ट का हिस्सा ज़्यादा रखा है, क्योंकि फ्रंट वाले हिस्से पे हमें बॉर्डर अटैच करना है, पीछे वाले पे हमारा बॉर्डर अटैच नहीं होगा, तो पीछे वाले की लेंथ ज़्यादा रखी है मैंने।